चलो चलने का समय हो गया नाको से, और यहाँ पे है अब ये खतरनाक वाला रास्ता। उतराई चढ़ तो गया था मैं, उतराई में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इंजन का जो कूलेंट है ना उसका जो रिजर्वायर है वो काफ़ी नीचे है, तो इसलिए मुझे बहुत आराम आराम से यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो उतराई में इस तरह होता है। ओहो, कूलेंट को बचाना है, कूलेंट के रिजर्वायर को बचाना है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब चलते हैं राम राम से, इंजन की ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते करते। वो देखो खूबसूरत नाको लेक, जाते हुए नहीं दिखाई दी थी, अब ये दिखाई दे रही है। नाको में भी बहुत सारे होमस्टे बन गए हैं, ये पूरे पूरे मैक्सिमम यहाँ पर होमस्टे ही हैं। ओहो हो, कई बार तो लगता है ऐसी हाइट पर चढ़कर मैंने कोई पंगा तो नहीं ले लिया, क्योंकि जब उतरूँगा तो उतरना मुश्किल होता है। एनीवे अब तो उतर ही गया हूँ मैं, ये देखो नाको लेक, वाओ। ये देखो खूबसूरत नज़ारा नाको लेक का, काफ़ी बड़ी लेक है और सर्दियों में ये पूरी तरह जम जाती है। ये पहाड़ों से रिस रिस कर जो पानी आ रहा है वही पानी इस नाको लेक में आता है, और ये नाको लेक उसी कारण भरी रहती है। ओवरफ्लो का पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन ये जो इसमें पानी है वो पहाड़ों से रिस रिस कर ही आ रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से अपनी जर्नी टुवर्ड्स पू। तो गाइस ये है नाको मॉनेस्ट्री, ये आप देख सकते हो एक इस तरफ है और ये है पीछे नाको मॉनेस्ट्री, ये है वो नाको मॉनेस्ट्री। और पहले यहाँ पे BSNL की कनेक्टिविटी होती थी सिर्फ, अब यहाँ पे जियो की कनेक्टिविटी भी हो गई है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको नेटवर्क की पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी, होम स्टे वगैरह की फैसिलिटी भी मिलेगी पूरी। तो आओ चलते हैं आगे की तरफ, मॉनेस्ट्री तो बंद हो चुकी होगी क्योंकि मॉनेस्ट्री 5 बजे बंद हो चुकी है और 5:15 हो चुके हैं, तो अगर आप मॉनेस्ट्री देखना चाहते हो तो 5 बजे से पहले पहले मॉनेस्ट्री में पहुँच जाइए। देखो कितनी फैसिलिटी हो गई है यहाँ नाकों में। लोग कैसे देखते हैं यार, जब 2017 में आया था तो यहाँ पे खाया था हमने शाम को शाकशुका, पता नहीं क्या क्या था यार, तरुण के साथ बहुत कुछ खाया था। बाय बाय नाको, एक और नाको लेक का कंस्ट्रक्शन हो रहा है लग रहा है, ऐसा देख के लग रहा है यहाँ पे कि एक और नाको लेक कुछ समय में बनी ही जाएगी। चलो एनीवे थैंक्स फॉर योर विजिट,
और रास्ता तो मिलेगा ऐसे मक्खन की तरह। यहाँ मेन रोड पे भी आपको ढाबा वगैरह मिलेंगे, ये देखो ढाबा वगैरह हैं यहाँ पे मेन रोड पे। घर जैसा स्वाद। अच्छा जी, चलो चलते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स। पिछली बार खब से लेकर नाको तक का जो रास्ता है इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अब ये बहुत बढ़िया रास्ता हो गया है। उस समय इसको बजरी बुजरी बिछा कर प्लेन कर दिया था, बस टर्मिक रोड बनाना रह गया था। अब ये पूरा कंप्लीट कर दिया इन्होंने और मज़ा आ गया। कितनी धूल मिट्टी, और ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच में वो वहाँ पे एक विलेज दिखाई दे रहा है। आपको दूसरी तरफ घूम के दिखाता हूँ ज़रा, यहाँ से रुककर यहाँ से दिखाई देगा वो खूबसूरत सा विलेज। ये देखो, वो देखो पहाड़ के उस तरफ दिखाई दे रहा है आपको विलेज। और ये सारे जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है ना, ये सारे के सारे सेब के पेड़ हैं। और इसके लिए कनेक्शन है वो वहाँ से ब्रिज से, ऐसे ऐसे जाया जाता है वहाँ पर। चलो एनीवे, रुकना तो है नहीं मुझे, चलना है, चलते हैं आगे अपनी जर्नी टुवर्ड्स पू। पहले खब में रुकते हैं, 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर निकलता हूँ वहाँ से पू की तरफ। ये बनाया घुमावदार रास्ता, इस तरह ऊपर ऊपर से नीचे नीचे की तरफ और इस तरह जाता है। और नीचे स्पीति रिवर, ख़तरनाक मंजर। और सामने का जो रास्ता दिखाई दे रहा है पहाड़ पर आपको, ये देखो ये पूरा पांगी वैली की याद दिलाता है। और इस पर व्हीकल भी चल रहा होगा, दिखाता हूँ आपको। और ये रास्ता ऐसे ऐसे करके वो निकल जा रहा है, देखो कहाँ जाके निकल रहा है आगे तक, है ना खतरनाक रास्ता। खूबसूरत है लेकिन खतरनाक है। और ये विलेज बता रहा था मैं आपको ऊपर से, उसके लिए रास्ता ये कटा नीचे और ये नीचे जा रहा है इस तरह और आगे उस विलेज की तरफ। और वो है उस ब्यूटीफुल विलेज की तरफ जाने के लिए रास्ता, यहाँ से वो सामने से कारें आती हुई। ये देखो कैसे घुमावदार ये रास्ता बनाया हुआ है, काफ़ी ख़तरनाक बनाया हुआ है। लेकिन चलो अच्छी बात है, बीआरओ वालों ने कितना शानदार रोड बनाया। और सामने ये जो विलेज, जिस विलेज में जाता है वो विलेज है लियो। अच्छा जी, ये जो रास्ता जा रहा है ये लियो चिलिंग होंगो उन विलेजेस की तरफ ये रास्ता जाता है। चलो एनीवे, हमें तो उन विलेज की तरफ जाना नहीं है, हमें जाना है सीधा वो देखो खूबसूरत विलेज। और उधर भी एक ख़तरनाक रास्ता, वो पता नहीं किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर से निकल रहा है वो रास्ता। चलो एनीवे, अब इस रास्ते का तो यार जवाब ही नहीं है कोई भी यार। सिंगल लेन होता था और कितना लगता था कि वाकई में ख़तरनाक वाला रास्ता। अब तो ये इसमें सारा एडवेंचर ख़त्म हो गया जब से ये डबल लेन बना है। अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है, मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर दूर है। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए इस हाइपरलैप शॉट को म्यूजिक के साथ। क्या बढ़िया रास्ता बनाया हुआ है बीआरओ वालों ने, मज़ा आ गया भाई। किसी टाइम पे सिंगल लेन होता तो कैसे जाते थे हम ऊपर।
और बहुत मुश्किल होता था उस समय। अब देखो ये रास्ता कितना बढ़िया है। इस मोड़ के बाद मेरे राइट साइड में स्पीति आ जाएगी और कुछ ही पलों में फिर मैं पहुंच जाऊंगा खब में, जहां पे स्पीति रिवर का नाम बदल जाएगा। रिवर तो वही रहेगी लेकिन उसका नाम बदल जाएगा, और नाम क्या रहेगा उसका? सतलुज रिवर। और इसी के साथ कुछ ही पलों में मैं पहुंचने वाला हूं, बस 2 मिनट का समय में मैं पहुंच जाऊंगा खब जगह में, और वहां पे ये स्पीति रिवर मेरे राइट साइड से हो जाएगी ख़त्म और इसका नाम बन जाएगा सतलुज रिवर। सतलुज रिवर आ रही है चाइना से, काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आती है। स्पीति रिवर भी काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आ रही है। कहाँ से निकली है स्पीति रिवर ये देखो, और कितना लंबा ट्रैवल करके आ रही है। काजा से भी पीछे, हमें लोसार से भी पीछे तक वहाँ पे जाके मिली थी स्पीति रिवर, और कितना लंबा इसने ट्रैवल किया है यहाँ तक। यहाँ तक इसने मेरा साथ दिया और फिर ये मिल गई सतलुज रिवर में और हो गया इसका संगम। बस पहुँचने वाला हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर उस जगह पे जिसका नाम है खब पब्लिक संगम। रास्ता ये वाकई में डेंजरस है, पहले भी डेंजरस था और अब भी डेंजरस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रास्ता डेंजरस नहीं है। ये देखो कितना खतरनाक वाला रास्ता है यार, ये हवा देख रहे हो कितनी तेज पड़ रही है। ओहो इतनी तेज हवा है यार, बाइक को भी हिला दे रही है। ओहो अरे सतलुज रिवर, तुम अपने साथ इतनी तेज हवा को क्यों ले आई? और इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं खब में, जहां पे हो रहा है सतलुज और स्पीति रिवर का संगम, और ये दोनों रिवर मिलकर बन जाती हैं एक ही रिवर जिसका नाम है सतलुज रिवर। ये देखो क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। चलो यहां लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक और निकलते हैं यहां से। ये देखो ये आ रही है आपकी काजा वाली साइड से स्पीति रिवर, और ये आ रही है आपकी सामने सतलुज रिवर जो कि आ रही है इस तरफ से ऊपर से चाइना वाली साइड से, और यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल जा रही हैं, और यहाँ पे हो रहा है इनका संगम, और आगे बन जा रही है रिवर के लिए सतलुज रिवर। तो सो गाइस अब होने वाला है अंधेरा, तो मुझे टाइम से पुणे पहुँचना है और रूम भी खोजना है। तो सुबह चलने का टाइम हो गया है इस खब जगह से, और ये देखो सतलुज का भाव और स्पीति का भाव दोनों का भाव एक बराबर है। तो चलो चलते हैं और पहुंचते हैं पू में, जो कि यहाँ से रह गया अप्रोक्सीमेट 12 किलोमीटर। अंधेरे में MT-15 की लाइट का फोकस कुछ इस तरह का है, ये लो बी में और ये हाई बी में। सफिशिएंट लाइट का फोकस है, इतना कम भी नहीं है और ना इतना ज़्यादा है। एनीवे पू यहाँ से रह गया सिर्फ 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे भी एक और चेक पोस्ट आएगा, उस पर करानी पड़ेगी एंट्री, और फिर वहाँ से आगे निकल जाऊँगा मैं पू की तरफ। तो आने वाला है वो चेक पोस्ट कुछ ही पलों में।
चेक पोस्ट पे उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से हो और कहाँ जाना है आपने, तो मैंने उनको बताया मैंने पू जाना है, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। मेनली यही होता है, व्हीकल की एंट्री करते हैं ज़्यादातर और उसके बाद ही आगे जाने देते हैं, लेकिन क्या पता कुछ रूल्स में चेंजेस आए हों। यहाँ पर चेक पोस्ट बना हुआ है, जिस पे डाउट होता है तो उसको चेक भी कर लेते हैं ये। बस अब कुछ ही पलों में आगे जाकर एक पॉइंट आएगा जहाँ यहाँ से पूरे रहेगा सिर्फ 4 किलोमीटर, उससे हाइट के ऊपर मुझे चढ़ना पड़ेगा पू जाने के लिए। अभी देखो अंधेरा होने वाला है बस, पर देखिए आसमान में अभी भी थोड़ा सा दिन बचा हुआ है, तब तक मैं पू पहुँच ही जाऊँगा और एक रूम ले लेता हूँ टाइम से। तो आज भी काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर हो गई आज की डेट में, मज़ा है आज कुछ भी हो। ये स्पीति ट्रिप बहुत अच्छा रहा मेरा अभी तक, बस वो दो दिन अगर मेरे लैंडस्लाइड वाले ख़राब ना होते तो मज़ा आ जाता सच में। मैं दो तीन जगह और एक्स्ट्रा कर लेता, मड वैली, पिन वैली, ये एक्स्ट्रा में होती, लालुंग विलेज भी जो मैं जूर कर जाता, और उसके बाद मैं निकलता धनकल लेक, ये सारी जगह मैं आप लोगों को जूर दिखाता। चलो कोई बात नहीं, फिर फ्यूचर में देखेंगे, तब तक देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं या नहीं। बस आने वाली अब लोकेशन, वहाँ से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा पू के लिए। मुझे लग रहा है बस वो सामने जहाँ लाइटें जल रही हैं वहीं से रास्ता जाता है पू की तरफ। चलो चलते हैं और पहुँचते हैं अपने रूम की तरफ।